दोस्तों आज मैं आपके साथ दही वाली हरी मिर्च की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो दो ताजी हरी मिर्च ली है मैंने, 5 से 6 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं। लहसुन की कलियाँ थोड़े छोटे साइज़ की हैं इसलिए मैंने 5 से 6 ली हैं। आधी छोटी चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 कटोरी मैंने बिल्कुल ताज़ा दही लिया है। तो इस दही की चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले हम मिर्ची को गैस के ऊपर रख कर बहुत अच्छी तरह से भुनेंगे। यदि आप कच्ची हरी मिर्च को पीस कर डालेंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा जो मिर्च को भुनने के बाद जब हम चटनी में मिक्स करते हैं तो उसका जो टेस्ट आएगा दोस्तों वो तो आपको भुनी हुई मिर्च से ही मिलेगा। तो बस हरी मिर्च की डंठल को मैंने इस तरह से पकड़ लिया है और चारों तरफ से खूब अच्छी तरह से हम सेक लेंगे। थोड़ा सा गर्म लगे तो आप चिमटे की मदद भी ले सकते हैं। चिमटे की मदद से मैं इसकी डंठल को पकड़कर इसे बहुत अच्छी तरह से सेक रही हूँ। अब आप देख सकते हैं मिर्ची बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है। तो बस मिर्ची जैसे ही भुन जाएगी हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इस मिर्ची को हमें बहुत अच्छी तरह से कुचलना है। आप चाहें तो मिक्सर के जार में भी मिर्ची को पीस सकते हैं। तो बस अब मिर्ची भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो अब मैं इसके डंठल को काट कर अलग कर देती हूँ। डंठल को स्टार्टिंग में मैंने नहीं काटा था क्योंकि जब हम डंठल को पकड़कर इसे सेकते हैं तो हमें ज़्यादा आसानी होती है, हाथ भी नहीं जलते हैं। वैसे आप चिमटे की मदद से भी इसे गैस पर सेक सकते हैं। छोटा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है पर अदरक के टुकड़े को थोड़ा सा बारीक बारीक मैं काट लूँगी क्योंकि अदरक को थोड़ा सा कुचलने में परेशानी होती है, ये देखिए, इसलिए मैंने बारीक काट लिया है। तो लहसुन, अदरक और ये जो 2 हरी मिर्च जिसे अभी हमने बिल्कुल सेक के तैयार किया है उसे भी हम काट कर इस खलबत्ते में डालेंगे। आप चाहें तो सिलबट्टे की मदद से भी इसे पीस सकते हैं परंतु सिलबट्टा सबके पास नहीं होता है और ये जो खलबत्ता है ज़्यादातर सबके ही पास होता है। और यदि ये भी नहीं है तो आप फिर मिक्सर के छोटे जार में भी इसे क्रश कर सकते हैं। तो बस मुश्किल से 1 से 2 मिनट में ही हम इसे मोटा मोटा कूट लेंगे। हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा रफली ही इसे कूटना है ताकि इसके छोटे छोटे से टुकड़े जब चटनी में आते हैं तो चटनी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप देख सकते हैं हरी मिर्च, लहसुन और जो अदरक का मैंने टुकड़ा डाला था सभी कुछ बहुत अच्छी तरह से क्रश हो गया है। बस ऐसे ही हमें थोड़ा सा मोटा मोटा ही इसे पीसना है और बस इस चटनी को जो हमने अभी क्रश किया है इसे अब हमें दही में मिक्स करना है। आप एक बार दही की ये हरी मिर्च वाली चटनी दोस्तों ज़रूर बना कर देखें, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। कई बार खाने में स्वाद नहीं आता है तो कभी ये चटनी रहती है दोस्तों तो खाने में मज़ा ही आ जाता है। मेरे यहाँ तो बच्चे जब भी मैं पूड़ी बनाती हूँ, मसालेदार पूड़ी, तो इसी चटनी के साथ ही उस मसालेदार पूड़ी को खाना पसंद करते हैं। तो आप भी एक बार दही वाली हरी मिर्च की जो चटनी मैं आपको आज बता रही हूँ इसे ज़रूर ट्राई करें, आपके घर में भी ये सबको बहुत पसंद आएगी। तो बस अब इसमें मैंने आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाला है और बिल्कुल आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है और सभी चीज़ों को मिक्स करें। तो बस दही में हमने सभी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया भी बारीक पीस कर कूट कर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी दही वाली हरी मिर्च की चटनी बनकर तैयार है। इसे आप पूड़ी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं। मेरे यहाँ कई बार मैं इडली के साथ भी इस चटनी को बनाती हूँ। तो दोस्तों ये थी दही वाले हरी मिर्च वाली चटनी की रेसिपी जिसे आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।